अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ एक 5 मिनट टिप। और टिप क्या है हमारी, हाउ टू सेव योर ब्रशेस। सो हमने जो यादों का ब्रशेस वाली क्लास, अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ लिंक मैंने फिर दे दिया है, उसको जाकर देख लें और देख लें, सीख लें ब्रशेस किस तरह से बनेंगे। एंड देन फिर मैं आपको आज की जो टिप दे रहा हूँ उसमें ये है कि हम अपने कस्टम ब्रशेस को अपनी इलस्ट्रेटर की लाइब्रेरीज में किस तरह से सेव करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो ये वही वाली फाइल है जो हमने ब्रशेस वाली क्लास में बनाई थी। एंड इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे ब्रशेस मैंने बना करके यहाँ पर यूज किए थे। अच्छा, अब ये ब्रशेस यहाँ अपने आर्टबोर्ड पर तो हमारे रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि ये ब्रशेस हमारे पास यहाँ लाइब्रेरीज में भी मौजूद हैं। ऑलरेडी जो हमने डिफाइन किए थे ये वो है, लेकिन ये याद रहे, जैसे देखें ये चेन वाला ब्रश है और ये डिफरेंट, ये लीव्स वाला है, ये स्टार वाला है, ये सारे ब्रशेस यहाँ पर मौजूद तो हैं। लेकिन होता ये है कि अगर मैं न्यू फाइल लेता हूं एंड क्रिएट, सी दिस, यहां पर वो वाले ब्रशेस सारे गायब। सो इलस्ट्रेटर का मसला ये है कि अगर जो आप ब्रशेस डिफाइन करते हैं वो आपकी लाइब्रेरी में, यानी जो डिफॉल्ट लाइब्रेरी है उसमें सेव नहीं होते और ये कहीं और, यानी उसी फाइल में रहते हैं जिस फाइल में आपने बनाए हैं, ये उसी फाइल में रहते हैं, ठीक है। सो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ब्रशेस मैं दूसरी फाइल्स में भी यूज करूँ तो मुझे इसको लाइब्रेरी में सेव करना होगा। बहुत छोटा सा काम है, कुछ बड़ा मसला नहीं है। सो सबसे पहले तो इसमें ये करना होगा कि हमें जो ब्रशेस चाहिए सिर्फ उन्हीं को रखिएगा, बाकी ब्रशेस को यहाँ से रिमूव कर दें, वरना ये होगा कि जो डिफॉल्ट ब्रशेस हैं वो भी उस लाइब्रेरी में सेव हो जाएंगे, राइट। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इसके साथ ही सेव करें तो दैट्स ओके, आप सेव कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। मैं सिंपली ये कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ क्लिक किया और शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये तमाम ब्रशेज मेरे सेलेक्ट हो गए। मैं सिंपली जाके डिलीट ब्रशेज पे क्लिक कर रहा हूँ एंड इसी तरह से मैं इन दो ब्रशेज और ये ब्रशेज को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। एंड फाइनली यस, ये वो तमाम ब्रशेज हैं जो मैं रखना चाह रहा था। ना एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर ये एक टच कैलीग्राफिक ब्रश है और एक ये बेसिक ब्रश है, ये रहेंगे, ये कुछ आप कर लें ये नहीं डिलीट होंगे। बिकॉज देखें अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, मेरा डिलीट का बटन डिसेबल्ड है, राइट। एंड बहरहाल अब ये आपके वही सिर्फ ब्रशेज रह गए यहाँ पर जो हमें सेव करने थे। मैं सिंपली यहाँ पर ये फ्लाई आउट बटन में जा रहा हूँ और यहाँ नीचे देखें सेव ब्रश लाइब्रेरी, यहाँ पर आप आकर के इसका नाम दे दें कुछ भी, लाइक माय ब्रशेस, एंड मैंने इसको सेव कर दिया। ऑलराइट, अब ये ब्रशेस आपको कहाँ मिलेगी। सो मिसाल के तौर पे मैंने न्यू फाइल ली और मैं जब यहाँ पर आता हूँ तो देखें यहाँ नहीं होंगे, आपको वो लोड करने होंगे। कहाँ से लोड करने होंगे, सिंपली आप यहाँ पर जाएंगे ये अपने फ्लाई आउट बटन पे, लाइक देखें ये इस वक्त मैं न्यू फाइल में हूँ, यहाँ ब्रशेस का पैनल खुला हुआ है। अगर ब्रशेस का पैनल आपको ना मिले तो आप सिंपली यहाँ विंडो में जाएं, यहाँ से ब्रशेस पर क्लिक कर दें ये रहा, एंड इस ब्रशेस के पैनल में फ्लाई आउट बटन जो है इस पे क्लिक करें और यहाँ देखें ओपन ब्रश लाइब्रेरी। अब यहाँ पर ऑलरेडी ये वो सारी जो लाइब्रेरीज हैं जो कि इसके डिफॉल्ट हमें दी हुई हैं, एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज, ये भी मैंने आप लोगों को पहले बताया था। यहाँ देखें यूजर डिफाइंड में यहाँ पर एक मैंने पहले बनाया हुआ था और एक ये रहा आपका माई ब्रशेस जो अभी हमने सेव किया था। सो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ एंड हियर यू गो, ये आपके ब्रशेस यहाँ पर मौजूद हैं। सो अब आप किसी भी चीज पर अप्लाई करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने लिया सर्कल और इस पर मैंने ये वाला अप्लाई किया, एक और सर्कल बना लेते हैं और इस पर मैंने ये अप्लाई किया। सो जिस तरह से मैंने ये ब्रशेस सेव किए हैं, आप ठीक इसी तरह से अपने स्वाचेस को भी सेव कर सकते हैं। मैं जल्दी से अगर आप लोगों को बता दूं, यहाँ देखें ये रहे आपके स्वाचेस और स्वाचेस में भी अगर आपने कोई चीज बनाकर डाली है, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सिंपल सा पैटर्न बना रहा हूँ। सो मैंने ये एक सिंपल सा एल शेप बनाया है और मैं इसको सिंपली उठा करके यहाँ डाल रहा हूँ, राइट। एंड मैं बाकी इन तमाम स्वाचेस को डिलीट कर रहा हूँ ठीक उसी तरह से, सबको सेलेक्ट इकट्ठे किया, मैंने डिलीट किया, ये जो नीचे फोल्डर्स है इनको भी सेलेक्ट करें, डिलीट करें। अब यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा ये स्वाच रखा हुआ, ये है क्या वैसे, ये भी दिखा दूं कि अगर मैं कोई शेप में फिल करना चाह रहा हूं उसको, सो ये रहा, राइट। सो बड़ा सिंपल सा स्वाच है और मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ, सिंपली यहाँ जाए
एंड अच्छा, जब आप यहाँ सेव करने जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन ही हमें सेव करने के, सेव स्वाश लाइब्रेरी एज ASE एंड सेव स्वाश लाइब्रेरी एज AI। आपने करना है एज AI, ताकि हम सिर्फ इसको इलस्ट्रेटर में यूज कर सकते हैं। बहरहाल ASE क्या चीज है कि आपका एडोबी स्वाच एक्सचेंज, मेरे ख्याल से यही है एडोबी स्वाच एक्सचेंज। इससे फायदा ये होता है कि ये स्वाचेस फिर आप फोटोशॉप में भी यूज कर सकते हैं एंड इन डिजाइन में भी यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें पैटर्न स्वाचेस यूज हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन हाँ कलर के स्वाचेस डेफिनेटली यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो मैं इसको कर रहा हूँ सिंपली सेव लाइब्रेरीज AI एंड इसका मैंने नाम दे दिया चेक्स। ठीक है, ऑलराइट, एंड फाइनली अगर आप फिर से न्यू फाइल में जाते हैं और यहाँ देखें स्वाचेस की लाइब्रेरी में मैं गया, ओपन स्वाच लाइब्रेरी, ये रहे यूजर डिफाइन और ये रहे चेक्स, ये आपका आ गया अलग से चेक्स वाला जो हमारी कस्टम लाइब्रेरी। ठीक है, मैंने शेप बनाया और इसमें आके मैंने क्लिक किया तो ये हो गया आपका स्वाच। सो आई होप आप लोगों को ये टिप भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।